प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य भगवान प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा, जिनके स्वर्गारोहण के 50 साल की उज्जवनी हम कर रहे हैं, आज 50 साल के बाद भी महात्मा को हम याद कर रहे हैं। पूरा जिन शासन जिन महात्मा का स्वर्गारोहण तिथि को मना रहे हैं, 1500 के आसपास जिन मंदिरों में उनकी स्वर्गारोहण तिथि निमित्त महाअभिषेक किया गया, दो द्रव्य से एकासना, ऐसे कई कई अनुष्ठान जिन महात्माओं की याद में किए गए, सोचिए ना 50 साल के बाद भी जिन महात्मा को आज याद किया जाता है, उनके गुणों के कारण, उनके संयम जीवन के कारण। महात्मा तो चले गए, लेकिन उनकी परंपरा में आज 1100 साधु भगवंत उनकी परंपरा में है। ही इज नॉट जस्ट ए किंग, ही इज ए किंग मेकर। गुणरत्न सुरेश्वरी महाराज को खड़ा किया, तैयार किया, 150-200 साधु भगवंत शासन को मिल गए। पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब की भेंट इनके शिष्य थे। आज शासन के कितने सारे कार्य हो रहे हैं, कई श्रावक अपना तन मन अपना जीवन धन अपना जीवन शासन को दे रहे हैं चंद्रशेखर महाराज साहब की प्रेरणा से। उन महात्मा के गुरु यही महात्मा पूज्य भुवन भानु सुरेश्वरी महाराजा, ऐसे कई महात्मा को उनके सिर्फ 17 शिष्य थे, सिर्फ 17। आज 1100 साधु भगवंत की जो संपदा दिख रही है, 1100 साधु भगवंत हमें दिख रहे इस समुदाय में, वो इन महात्मा के पुण्य के कारण, इन महात्मा के संयम जीवन की वो शुद्धता के कारण। ब्रह्मचर्य इतना शुद्ध था इन महात्मा का, कहते हैं कि शाम को जब विहार करके पहुंचते थे और वो पसीने वाले कपड़े सब महात्मा सुखाते थे, पूज्य प्रेम सूर्य दादा का कपड़ा अंधेरे में भी किसी महात्मा को लाना हो तो वो आराम से ला सकता था कि प्रेम सूर्य दादा का कपड़ा है। किस तरह से, तो कहते थे कि उनके कपड़ों में से, सुखाए हुए कपड़ों में से, पसीने के सुखाए हुए कपड़ों में से भी सुगंध आती थी चंदन की। किस कारण से, नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन, उनके जीवन का जो ब्रह्मचार्य का पालन था। एक बार एक बड़े ज्योतिष ने उनकी कुंडली देखी, उनका हाथ देखा, उन्होंने एक प्रश्न किया, साहब यकीन नहीं हो रहा है लेकिन ये कुंडली देखकर ऐसा और आपके हाथ देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने तन से या वचन से अब्रह्म का सेवन या अब्रह्म का पाप, वो तो दूर की बात है, आपने मन से भी कभी अब्रह्म का सेवन नहीं किया, आपके पूरे जीवन में एक बार भी गलत विचार विकार वासना का विचार नहीं आया है, ये कुंडली आपकी दिखा रही है। सोचो ना किस तरह का संयम जीवन उन्होंने जिया। संयम के प्रति इतनी अप्रमत्त, एक बार डॉक्टर ने उनको गर्म पानी से शेक करने का बोला, उनको वायु का प्रकोप था, तो गर्म पानी का शेक, थैली का शेक लेने का बोला। प्रायः शिवगंज राजस्थान की घटना है, उस समय भाप के इंजन चलते थे, तो 1 किलोमीटर दूर महात्मा जाते थे उनके लिए और गर्म पानी, क्योंकि भाप के इंजन से जो गर्म पानी निर्दोष मिलता था वो निर्दोष पानी लेकर आते थे और उससे उनका शेक होता था। लेकिन ये रोज का क्रम होने के कारण जो महात्मा थे उनके शिष्य, तो उनको लगा था कि रोज 1 किलोमीटर आना 1 किलोमीटर जाना, इससे अच्छा मतलब चलो ना एक बार हम शरीर के हिसाब से श्रावकों के वहाँ गर्म पानी करवाना शुरू किया शेक के लिए, थैली के शेक के लिए। जब उनको मालूम पड़ा कि मेरे निमित्त इस तरह की विराधना हो रही है, सच बोलो तो विराधना क्या, शरीर के कोई शरीर की स्थिति के कारण उनको ये गर्म पानी करवाना पड़ रहा है, लेकिन वो भी उनको इतना लगा कि उन्होंने जीवन भर थैली का उपयोग, गर्म पानी का थैली का उपयोग करने का पचकान ले लिया। महात्मा सिर्फ 2 द्रव्य से जीवन भर एकासना करते थे, उनके प्राय उनके एकासना सिर्फ 2 द्रव्यों से होते थे। 2 द्रव्य में भी क्या, दाल रोटी, दाल रोटी से वो 2 द्रव्य से, इन 2 द्रव्य से। कभी कभी हम सोचे हम आठम चौदस को भी, अगर रविवार हो आठम चौदस भी आ जाए ना, तो हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे यार आठम चौदस आ गए, ना हम पिक्चर जा सकते हैं ना होटल जा सकते हैं, ऐसे विचारों की दुनिया बनती है बन जाती है। और ये महात्मा से जीवन भर 2 द्रव्य से हम होटल नहीं छोड़ पा रहे, हम आइसक्रीम नहीं छोड़ पा रहे,
हमारे जीवन के अभक्ष्य नहीं छोड़ पा रहे हो। महात्मा ने जीवन भर दो द्रव्य से काशना किया, वो भी दाल और रोटी से। 7 मिनट में ये काशना कर लेते थे महात्मा, 7 मिनट में ये काशना कर लेते थे, 7 मिनट में ये काशना करके उठ भी जाते थे महात्मा। क्या जीवन जिया है उन्होंने, एक बार भी व्याख्यान नहीं दिया है जीवन में, प्राय एक बार भी पाठ पर बैठकर व्याख्यान नहीं दिया, लेकिन जिनका जीवन ही व्याख्यान, जिनका जीवन ही उपदेश था, ऐसे थे महात्मा। एक बार रात दोपहर को 2 बजे थले मात्रे के लिए, गोचर करने के बाद, थले मात्रे कृष्णा करने के बाद थले मात्रे के लिए जा रहे थे, और वहां पर दोपहर की गर्मी, वो भी अहमदाबादी धकधकती गर्मी, जहां पांव रखना हो मुश्किल, ऐसी गर्मी में थले मात्रे के लिए जा रहे थे। एक नास्तिक अपनी बालकोनी से, गैलरी से खड़े होकर इसी समय रोज उनको दिखता था कि महात्मा का किस तरह से, इनको चेहरे पर कोई उसका डिस्टरबेंस नहीं है गर्मी का, ना गर्मी के कारण फास्ट चलना, या इस तरह का कोई नहीं देखा। वो महात्मा, वो नास्तिक जो भगवान को नहीं मानने वाला, कम से कम 15-20 दिन ये क्रिया देखी, अंदर से इतना वो भर गया, आया महात्मा के पैर में गिर गया, साष्टांग पैर में गिर गया, कहा साहेब इस तरह से, ऐसे ऐसे इस काल में ऐसे साधु भगवत का दर्शन जो मुझे हो रहा है, आप किस तरह से कर पाते हो। और जीवन भर के लिए वो आस्तिक बन गया। कहते ना, साधु का उपदेश वो तो काम करता ही है, साधु का जीवन भी कभी उपदेश बन जाता है। वो ये महात्मा का जीवन है ना, वो ही उपदेश था, उपदेश था। बस इतना ही कहूंगा, उनके साथ रहने वाले तो नसीबवान थे ही, लेकिन उनका नाम भी सुनने को हमें मिल रहा है ना, हम नसीब वाले हैं कि इनका नाम भी हमें सुनने को मिल रहा है। बस 50वीं स्वर्ग आरोहण तिथि पर हम अपने जीवन में इन महात्माओं के कारण को जीवन में टर्न लाए। हम हमारे खाने हम दो द्रव्य से शायद एकाशना नहीं कर पाए हम, लेकिन एटलीस्ट हम हमारे जीवन में अभक्ष्य तो जाए, हमारे जीवन में होटल्स तो जाए, हम उनके समान दीक्षा लेकर इतना शुद्ध चरित्र नहीं पालन कर सकते, लेकिन हमारा जीवन ऐसा तो न हो कि प्रभु के शासन की हिल ना हो, प्रभु के शासन के ऊपर कोई उंगली उठाए, वैसा तो जीवन न हो जाए। हमारी दुनिया बहुत पवित्र बनी इन महात्मा को आलम बन से, तो ये शायद ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महात्मा को होगी। पूज्य प्रेम श्री मां साहब जहाँ भी हो, हम सब पर आशीर्वाद बरसाए, और हम भी उनके समान, उनके जैसा जीवन जी, बस यही शुभेच्छा। प्रणाम। गुरु प्रेम, गुरु प्रेम।